तो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs, देखो इसमें वर्ड प्रॉब्लम होंगे और वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब खुद लेट करना पड़ेगा, ये चीज़ लेट है x के बराबर, ये y के बराबर है, और फिर आपको सॉल्व करना होगा। लिखा हुआ टॉम इज़ जस्ट 4 ईयर्स ओल्डर देन फेरन, पता नहीं क्या नाम है। तो एज ऑफ टॉम जो है, एज ऑफ टॉम वो क्या है, 4 ईयर्स ओल्डर देन फरान जो है। तो 4 ईयर मतलब 4 साल ज़्यादा है ना, तो आप 4 प्लस एज ऑफ फरान लेट कर लो भाई। अगर इसकी एज है 20 तो इसकी क्या होगी, 4 ईयर ज़्यादा मतलब 24 होगी। तो 4 प्लस एज ऑफ फरान, द टोटल ऑफ देयर एजेस इज 24, इन दोनों की एजेस का टोटल जो है वो 24 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद उन्हें बोला हुआ है विच इज़ द इक्वेशन ऑफ फॉर फाइंडिंग फरान एज, वो बोल रहे हैं कि इसमें से ये 4 इक्वेशन गिवन है, इसमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे हमें फरान की हाइट पता चलेगी, सॉरी एज पता चलेगी। तो आप क्या करो, इन दो इक्वेशन को ना सॉल्व करो फरान की हाइट मालूम करने में। कैसे मालूम करोगे, आप क्या करो, आपको मालूम करना है AF, ठीक है। तो आप पूरी इक्वेशन में AF ले आओ, कैसे लाओगे, AT की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे पुट कर दो। तो AT की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या हो जाएगा, 4 प्लस AF प्लस AF इक्वल टू 24। और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 2AF मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने के बाद आपको AF मतलब फरान की एज आ जाएगी। अभी उन्होंने एज नहीं पूछी, उन्होंने बोला इनमें से कौन सी इक्वेशन के जरिए से हम फाइंड करेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक। अब इसको ऑप्शन के हिसाब से कैसे लिखोगे भाई, लेट कर लो ये फरान की एज x के बराबर है, आमतौर पर हमारे अननोन जो होते हैं वो x ही होते हैं, तो आप लिखो x लिख दो, लेट कर लो इसकी जो एज है वो x के बराबर ही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं डी ऑप्शन देखूं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यही है, x प्लस 4 या 4 प्लस x प्लस x, मतलब पोजीशन चेंज की हुई ना यार, बाकी तो वही चीज़ें सारी बराबर है 24 के। तो ये वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए से हम फरान की एज मालूम कर पाएंगे। 2 पे आ जाओ, देखो ये इस टाइप की टेक्निक लग रही होती है इनके अंदर। 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 8, हमें 2 नंबर फाइंड करना है जिनका सम 8 के बराबर है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर एंड द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम, पहली चीज़ तो उन्होंने यहाँ लिखी हुई है, दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर एंड द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम। देखो हमें एक ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम 8 के बराबर हो, ठीक है। ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, 1 प्लस 7, 2 प्लस 6, 3 प्लस 5, 4 प्लस 4, ये 4 पेयर हैं जिनका सम 8 के बराबर होता है। लेकिन एक और खासियत क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर एंड द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर एंड क्यूब ऑफ अदर नंबर। 7 का क्यूब क्या होगा, 49 को 7 से मेरे ख्याल में 343 होता है इसका, ठीक है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई मतलब एक नंबर मल्टीप्लाई दूसरे नंबर का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है, 216 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 432, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, 125 को मल्टीप्लाई करो 3 से 375, 4 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब 64 होता है, 64 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 256 आएगा। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि ऐसे 2 नंबर फाइंड करो जिनका सम 8 के बराबर हो और जिनमें आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करो दूसरे नंबर के क्यूब से और मैक्सिमम आए। तो देखो इसमें मैक्सिमम वाला कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ये मैक्सिमम भी आ रहा है और सम भी क्या है, 8 के बराबर है। अच्छा ये मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये सवाल बड़ा ईजी है, ये आप 2 सेकंड के अंदर बता सकते हो, क्यों, इसके ऑप्शन बहुत बेवकूफ़ वाले दिए हैं इन्होंने। ये सिर्फ मैं आपको वर्किंग समझा रहा हूँ जो सवाल में पूछ रहे हैं, अगर पेपर में ये 4 ऑप्शन आ जाएँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो उसमें आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इतने मतलब फालतू ऑप्शन लिखे हुए हैं कि आप देख के बता दोगे भाई। आपको सिंपल पहली कंडीशन क्या थी कि 2 नंबर मालूम करने जिनका सम 8 के बराबर हो, तो देखो इसमें वाहिद ऑप्शन ए ही है जिसमें 2 नंबर गिवन है और उनका सम 8 के बराबर है, इसमें सम 12 आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो इसमें तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आंखें बंद करके ए लगा दो, क्योंकि भाई पहली कंडीशन तो एटलीस्ट अचीव होनी चाहिए ना, फिर दूसरी पे जाओगे, इनमें तो पहली कंडीशन ही अचीव नहीं हो रही, ठीक है। ये मैंने सॉल्यूशन इसलिए करवाया कि अगर इस टाइप के ऑप्शन आ गए 4, तो अब इन सब का सम 8 है, तो फिर दूसरी कंडीशन से आप पहचानोगे, ठीक है। तो आपने आंखें खोल के देखना होता है, ये नहीं कि हर सवाल को सॉल्व करने बैठ जाओ, ऑप्शन को देखो कि दिया हुआ भी क्या है उन्होंने, उसके बाद डिसाइड करो करना क्या है, ये नहीं कि बस आंखें बंद करके हर चीज़ सॉल्व करने लग जाओ आप लोग। या वीडियो पॉज की थी और वीडियो पॉज ही रही है, तो 2-3 MCQ जो समझाए थे सारी मेहनत ज़ाया होगी। खैर सॉल्यूशन तो हुए, मैं देख के बता दूंगा। 3 में लिखा हुआ है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 32, लेट कर लो 2 नंबर हैं x प्लस y जिनका सम 32 है।
एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, उनके स्क्वायर का सम क्या है, 904 के बराबर है. फाइंड ग्रेटर नंबर, मतलब दो नंबर है ना, इनमें से ग्रेटर वाला जो नंबर है वो आप फाइंड करो. देखो एक तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करो, यहाँ से लेट से x की वैल्यू निकालो, y की टर्म में आएगी, वो आप यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, y की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x और y, मतलब आपको दो नंबर मिल जाएंगे, उसमें जो ग्रेटर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा. लेकिन थोड़ा सा अगर आपको मैथ आता है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो आपको कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए, और कुछ बड़े इजी स्क्वायर होते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 200, वो सॉरी 400, इसी तरह 30 का स्क्वायर 900, 400 का सॉरी 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए. अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ना, तो 904 से आपके जहन में 900 आ जाना चाहिए. अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तो आप पहचान लेते हो. आपको पता है 30 का स्क्वायर 900 होता है. अब दूसरा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 के बराबर होता है, तो आप यहीं से पहचान लोगे दूसरा नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. तो दो नंबर यहीं से आपको मिल जाएंगे, 30 और 2, जिनका स्क्वायर जो स्क्वायर करो और ऐड करो 904 आएगा, और जिन दोनों को ऐड करो 30 प्लस 2 करो तो आपके पास 32 आ जाएगा. तो कैलकुलेशन थोड़ी आपके स्ट्रांग हो तो आप आसानी से पता कर सकते हो, अगर स्ट्रांग नहीं है तो इन इक्वेशन को सॉल्व करो और आपके पास वैसे ही दो नंबर आ जाएंगे. तो इनमें ग्रेटर कौन सा है, ऑब्वियसली 30 है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है. फिर इसमें बोला हुआ था कि इफ एक्स इज़ अ पॉजिटिव नंबर, एक्स पॉजिटिव नंबर है, व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स जो है वो आप पॉजिटिव पुट कर सकते हो, एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो आप एक्स पॉजिटिव पुट करो, और ऐसा मतलब कौन सा पॉजिटिव एक्स आपने पुट किया आपको जिस पे लीस्ट वैल्यू मिल रही है, और वो लीस्ट वैल्यू क्या है, वो लीस्ट वैल्यू आपको मालूम करनी है. तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आप लेट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आप 1 पुट करो यहाँ पे, सिंप्लीफाई करो 2 आ रहा है आपके पास. जब आप इस इक्वेशन में 2 पुट करोगे, सिंप्लीफाई करो 3 के बराबर आ रहा है, और फिर आप 3, 4, 5 पुट करोगे, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है. हमें चाहिए थी लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 के बराबर आएगी, ठीक है. और अगर आप इसका ग्राफ भी बनाओगे, जो मैंने आपको ऐप बताई हुई है, तो इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा आपके पास, जो आप देखोगे ये सबसे लीस्ट पॉइंट है, जिसमें एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, और x 1 वैल्यू पे आपको लीस्ट वैल्यू मिल रही है 2 के बराबर. ये आप ग्राफ से देख लेना, x की पॉजिटिव वैल्यू 1 पे आपको लीस्ट y की वैल्यू मिल रही है 2, बाकी जितनी x की वैल्यू बढ़ती जाएंगी y की वैल्यू आपको बढ़ती जाएगी. तो लीस्ट वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है. सॉल्व करके पता चल जाएगा, ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहो, इतना टाइम तो नहीं होता, तो वहाँ से भी आपको खैर पता चल जाएगा, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सॉरी MCQ नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. 5 में लिखा हुआ था ए इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन बी, ए जो है मतलब एज ऑफ ए जो है वो 4 ईयर ज़्यादा है एज ऑफ बी के. हु इज़ 3 टाइम, हु इज़ मतलब बी की बात की जा रही है, बी इज़ 3 टाइम एज ओल्ड एज सी, मतलब एज ऑफ बी जो है वो 3 टाइम है एज ऑफ सी के. इफ़ द सम ऑफ देयर एजेज इज 25, अगर तीनों की एज मतलब एज ऑफ ए, एज ऑफ बी, एज ऑफ सी, अगर सम करें तो वो 25 के बराबर आ रहा है. हाउ ओल्ड इज़ बी, मतलब बी की एज क्या होगी. भाई देखो सिंपल फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इस पूरी इक्वेशन में आपको हर चीज़ एज ऑफ बी की फॉर्म में चाहिए. जब पूरी इक्वेशन एज ऑफ बी में हो जाएगी तो हम आसानी से एज ऑफ बी की मतलब बी की एज आराम से मालूम कर लेंगे. तो आप ए ए की जगह लिख दो 4 प्लस ए बी, ए बी तो अपनी जगह पे, ए सी किस तरह निकालोगे इन टर्म ऑफ ए बी, आप 3 डिवाइड कर दो, तो ए बी ओवर 3 किसके बराबर होगा, ए सी के. ए बी की जगह मैंने सॉरी ए सी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी ओवर 3 इक्वल टू 25. फिर मैंने सिंप्लीफाई किया, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिए इनसे, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, जिस तरह हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, इस सबके नीचे 1 लिखो और जो सॉल्व करते हैं ना उस तरह सॉल्व किया हुआ मैंने. 3 को 4 से करो, 3 को ए बी, 3 को ए बी से, प्लस ए बी, ये वाला प्लस ए बी यहाँ पे आ गया, और नीचे वाला 3 जो है वो मैंने लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 25, मतलब 25 से होगा 75 आपके पास आ जाएगा. 3AB + 3AB + AB 7AB 12 अपनी जगह पे आ जाएगा. सिंप्लीफाई करो, 12 को उधर ले जाओ 63, 7 को डिवाइड कर दो तो एज ऑफ बी आपके पास क्या आ जाएगी, 9 के बराबर आ जाएगी. असल में मैंने पहले ही चीज़ समझाई है, दोबारा समझा रहा हूँ ना तो गुस्सा आ रहा है, शायद इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ. मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप देख लेना, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, खुद भी आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी. मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया ना, तो फिर मसला नहीं है इतना. 6 में आपके पास लिखा हुआ है इफ़ अ फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, आप लेट कर लो एज ऑफ फादर जो है वो ट्वाइस है
एज ऑफ सन के, 6 years अगो, 6 साल पहले फादर वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज ए सन, 6 साल पहले जो फादर था, देखो अभी फादर की एज क्या है ए एफ, 6 साल पहले क्या होगी माइनस एक्स, मतलब अभी जो एज है उससे माइनस एक्स कर दो 6 साल पहले हो जाएगा, तो उसका थ्राइस था मतलब 3 टाइम था एज ऑफ सन के, भाई सन की अभी एज ए एस है, 6 साल पहले क्या होगी ए एस माइनस एक्स, तो 6 साल पहले फादर की जो एज थी वो 3 टाइम थी सन की एज के। फाइंड द एज ऑफ द सन, आपको सन की एज निकालनी है, मतलब बेटे की एज निकालनी है, आप क्या करो ए एफ 2 AS के बराबर है, यहाँ पे पुट कर दो 2 AS माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई करो 3 AS माइनस 18, अच्छा 2 AS को उधर ले जाओ माइनस 18 को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 18 माइनस सिक्स, और ये हो जाएगा 3 AS उधर लेके आओ तो नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है, तो AS जो है वो बराबर हो जाएगा 12 के, उसका मतलब तो सन की एज आपके पास क्या आ गई 12 आ गई, ठीक है, मतलब सन की अभी एज क्या है 12 साल, फादर की एज क्या है अभी 24 है, 6 साल पहले जब फादर 18 साल का था तो सन की एज क्या थी 6 थी, मतलब 12 माइनस 6 6, तो देखो 3 टाइम इसके ज़्यादा है यार, ये फादर ने कितनी जल्दी उन्होंने शादी कर ली थी, हैरत की बात है, खैर वो छोड़ो, खैर समझ आ गया आप लोगों को 12 के बराबर है। अच्छा जी 7 में लिखा हुआ है रोमी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जेमी, पता नहीं कौन से नाम लिखे मैंने, ठीक है पास पेपर में आया हुआ तो ये लिख दो भाई के जमशेद इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हमजा या शगुफ्ता या कुछ ऐसा लिख दो, रोमी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जेमी लिख देते हैं, एज ऑफ रोमी ट्वाइस एज ओल्ड एज जेमी, ट्वाइस एज एज ऑफ जेमी, हु इज़ फाइव ईयर ओल्डर, जो जेमी है वो 5 ईयर ओल्डर है किससे, देन शैमी, वाह शामी जो भी है 5 ईयर ओल्डर है, मतलब शामी की जो एज है ना उससे 5 साल ज़्यादा है जेमी की, दोबारा बताता हूँ रोमी जो है वो ट्वाइस है मतलब 2 टाइम है जेमी के एज के, जेमी जो है वो 5 साल बड़ा है तो 5+ किसके शैमी से, तो एज ऑफ शामी जो है उससे 5 साल ज़्यादा है एज ऑफ जेमी, उफ इफ़ देयर टोटल एज इज 27, इनकी टोटल एज जो है अगर वो है 27 तीनों की, हाउ ओल्ड इज शैमी, शामी हाँ हाउ ओल्ड इज शामी, मतलब आपको ए एस निकालना है, अब क्या करो इन दोनों को भी आप ए एस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ए आर बराबर है 2 AJ के, ठीक है ए जे किसके बराबर है 5+ AS, ए जे की जगह आप क्या लिख दो 5+ AS, तो अब ए आर भी ए एस की फॉर्म में हो गया ए जे भी ए एस की फॉर्म में हो गया, ए आर की जगह आप लिख दो 2 5+ AS, ए जे की जगह लिख दो 5+ AS, और ए एस तो अपने जगह पे आ गया, 2 को 5 से करो 10, 2 को AS से करो 2 AS, ठीक है 5+AS+AS=27, 10+5 15, 15 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 27 - 15 12 के बराबर हो जाएगा, 2 AS 1 AS 1 AS टोटल 4 AS, तो AS आपके पास क्या आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा, तो जो शामी है उसकी एज क्या है 3 के बराबर है।